नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बीजेपी चीटिंग बाज पार्टी और हर रिफ्यूजी देश का है नागरिक, बोली सीएम ममता बनर्जी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। ताजा मामले में सूबे की मुखिया ने बीजेपी को सबसे बड़ी चीटिंग बाज पार्टी करार दिया है। बीजेपी बंगाल में हो रही सियासी हिंसा को लेकर हमलावर है। ऐसे आरोपों को काउंटर करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बार बार फ्रंट पर आना पड़ रहा है। इस बीच ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के दावों पर सवाल उठाए हैं। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह के ताजा बयान के बाद ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए बीजेपी को चीटिंग बाज पार्टी बताया है। उन्हें आरोप लगाया है कि बीजेपी राजनीति के लिए कुछ भी कर सकती है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। बंगाल में वोटर्स को मिली धमकी, कहा बीजेपी को दिया वोट तो बहेगी खून की नदियां। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के बीच खींचतान जारी है। दोनों पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप के बीच अब वहां के वोटर्स को भी डराया धमकाया जा रहा है। दीवार पर बांग्ला भाषा में एक धमकी भरा संदेश लिखा गया है, जिसके पीछे टीएमसी नेता मनोज सरकार का हाथ बताया जा रहा है। यह संदेश उस वक्त सामने आया है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य का दौरा किया है। यह धमकी भरा संदेश बांग्ला के नदिया जिले के शांतिपुरी इलाके की एक दीवार पर लिखा मिला है। संदेश में भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वालों को जान से मारने की धमकी दी गई है। दीवार पर बांग्ला भाषा में लिखा है, अगर टीएमसी के खिलाफ एक भी वोट पड़ा तो हम खून की नदियां बहा देंगे। अगर बीजेपी को एक भी वोट दिया तो अपने प्रियजनों के श्राद्ध के लिए तैयार रहें। पत्र के लास्ट में टीएमसी नेता मनोज सरकार का नाम लिखा है। हालांकि संदेश के बारे में जब मनोज सरकार से सवाल किया गया तो उन्हें साफ इनकार कर दिया और सफाई देते हुए कहा है कि ऐसा कर कोई टीएमसी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। महाराष्ट्र में आज से नाइट कर्फ्यू, यूरोप से आने वाले होंगे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन। जी हां दोस्तों, इस महामारी के खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। आज रात से महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। आगामी 5 जनवरी यानी 15 दिनों तक कर्फ्यू रात को 11 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। महाराष्ट्र सरकार के आदेश के मुताबिक राज्य के सारे महानगर पालिका क्षेत्र में यह नियम लागू होगा। इसके अलावा जो लोग यूरोप से महाराष्ट्र आएंगे उन्हें पूरे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने यूरोप में कोरोना के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए यह निर्णय लिया है। आपको बता दें दोस्तों, कोरोना से यूरोप करा रहा है, लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा संकट से ब्रिटेन गुजर रहा है। ब्रिटेन में कोरोना के नए रूप की पहचान हुई है। ब्रिटेन से ऑस्ट्रेलिया पहुंचे एक दंपत्ति में भी यह वायरस मिला है। नया स्ट्रेन पहले से कहीं ज्यादा तेजी से फैलता है। इसको ध्यान में रखते हुए रविवार को यूरोप के कुछ देशों जैसे नीदरलैंड और हॉलैंड ने ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट पर रोक लगा दी है। इस तरह की खबरें हैं कि जर्मनी भी जल्द ही ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट पर रोक लगा सकता है। भारत ने भी 31 दिसंबर तक यूके से आने वाली सभी फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। राम मंदिर के लिए घर घर जाकर चंदा जुटाना बीजेपी का राजनीतिक प्रचार, सामना में शिवसेना ने साधा निशाना। जी हां दोस्तों, शिवसेना ने राम मंदिर के लिए जुटाए जा रहे चंदे पर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है कि 4 लाख स्वयंसेवक चंदे के लिए घर घर जाएंगे। यह स्वयंसेवक कौन है, उनकी नियुक्ति किसने की है? अगर ये लोग चंदे के लिए राजनीतिक प्रचार के रूप में लोगों के घर घर जाएंगे तो ये मंदिर के लिए खून बहाने वालों की आत्मा का अपमान होगा। सामना में कहा गया है कि बीजेपी चंदा जुटाने के नाम पर राजनीति कर रही है। शिवसेना का कहना है कि मंदिर के लिए चंदा जुटाना राजा राम का अपमान है। अयोध्या में भगवान राम के निर्माणाधीन मंदिर के लिए बीजेपी के 4 लाख कार सेवक अगले साल 14 जनवरी से देश के करोड़ों परिवार से भगवान के बनने वाले मंदिर के लिए कुछ राशि लेंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। राशन कार्ड वाले व्यक्ति को मिलेंगे 2500 रुपए, इस राज्य के 2.5 करोड़ लोगों को होगा फायदा।
फायदा। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु राज्य की सरकार ने अपने राज्य के 2.6 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारकों को 2500 रुपए कैश देने का फैसला किया है। पोंगल त्योहार के मद्देनजर यह फैसला किया गया। प्रोत्साहन राशि 4 जनवरी से बांटी जाएगी ताकि सभी लोग फसल उत्सव खुशी से मना सके। इस पैकेज के तहत सरकार राशन कार्ड धारकों को 1 किलो चावल, चीनी, किशमिश, काजू, इलायची, 1 कपड़े का बैग और 1 गन्ना भी मुफ्त देगी। तमिलनाडु सरकार ने पिछले साल भी आम जनता को चावल खरीदने के लिए 1000 रुपए दिए थे और इस साल इसे 1500 रुपए बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया है। आपको बता दे दोस्तों, पोंगल त्योहार 14 जनवरी को मनाया जाता है। AIADMK सरकार ने 2014 में राज्य के लोगों के लिए 1 किलो चावल और 1 किलो चीनी के 700 रुपए देने की शुरुआत की थी। 2018 में इस राशि को बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया और अब मुख्यमंत्री पलानी स्वामी ने इसे बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। निर्यात के क्षेत्र में चाइना की शानदार वापसी, टारगेट पूरा करने के लिए नहीं मिल रहे हैं मजदूर। जी हाँ दोस्तों, चीन ने निर्यात के क्षेत्र में शानदार वापसी की है और इस वजह से फैक्ट्रियों में कामगारों की जबरदस्त मांग बढ़ गई है। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में ये जो बेहतरीन उछाल देखने को मिली वो विदेशी मांग बढ़ने की वजह से हुई है। चीन में बीते 9 महीनों में निर्यात के मामले में जो ग्रोथ हुई है वो उम्मीद से कहीं बेहतर रही है। पिछले 9 महीनों में 8 महीने ऐसे रहे हैं जब यह दर काफी अच्छी रही है। आपको बता दे दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के दौरान जब दुनिया अनहोनी की आशंका से डरी और लगभग ठप पड़ी थी, तब चीन दुनिया की परवाह किए बगैर इकोनॉमी संभालने के साथ कई मोर्चों पर व्यस्त था। दुनिया भर में चीनी उत्पादों की मांग में जबरदस्त उछाल आया है। विदेशी मांग लगातार बढ़ने की वजह से पिछली कुछ तिमाही में चीन की निर्यात दर बढ़ रही है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। बिना MHRA की मंजूरी के UK की दुकानों में धड़ल्ले से बिक रही है पतंजलि की कोरोनिल। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने कोरोना की वैक्सीन पर काम किया है। 2 वैक्सीनों को मंजूरी मिल गई है जबकि कईयों के ट्रायल जारी हैं। इस बीच खबर है कि पतंजलि की कोरोनिल लंदन की दुकानों में बेची जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लंदन की कुछ दुकानों पर पतंजलि की आयुर्वेदिक COVID-19 की कोरोनिल टेबलेट बेची जा रही है। मालूम हो कि बाबा रामदेव ने कोरोनिल को लॉन्च करते वक्त लोगों को भरोसा दिलाया था कि कोरोनिल टेबलेट से कोरोना के मरीज ठीक हो जाएंगे। हालांकि बाद में इस टेबलेट को एक तरह का इम्यूनिटी बूस्टर कहा जाने लगा जो अब लंदन की दुकानों पर बेचा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत का हर्बल उपचार लंदन की दुकानों पर सेल हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ये दवा मुख्य रूप से एशियाई क्षेत्र के मेडिकल स्टोर पर ज्यादा देखने को मिल रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दे दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम की मेडिसिंस एंड हेल्थ केयर प्रोडक्शन रेगुलेटरी एजेंसी ने पतंजलि की कोरोनिल को अप्रूव नहीं किया है। BBC ने MHRA के हवाले से कहा है कि ब्रिटेन के जो दुकानदार किसी भी अनाधिकृत औषधि उत्पाद को बेच रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। DL और RC को तुरंत कराएं रिन्यू वरना 5000 का देना पड़ेगा जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, COVID-19 के प्रकोप के बीच लगे लॉकडाउन की वजह से इस साल केंद्र सरकार ने परिवहन के नियमों में 31 दिसंबर तक छूट दी थी। इस वजह से परिवहन विभाग ने मार्च 2020 के बाद से अवैध हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस, RC और फिटनेस प्रमाण पत्र वाले वाहनों पर कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि 31 दिसंबर के बाद से अवैध लाइसेंस रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लिहाजा यदि आपके पास लाइसेंस और RC की वैधता समाप्त हो चुकी हो तो नए साल से पहले इन्हें रिन्यू करा लें वरना वाहन चलाने वालों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नए मोटर वाहन के नियमों के अनुसार अगर कार या दोपहिया वाहन चालकों के पास वैध लाइसेंस नहीं है या उनके DL की वैधता समाप्त हो जाती है तो पकड़े जाने पर 5000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। परिवहन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक यदि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 31 दिसंबर के बाद ट्रैफिक नियमों में छूट आगे नहीं बढ़ाई तो चालकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। वेस्ट बंगाल में BJP सांसद सुमित्र खान की पत्नी ने थामा TMC का दामन, पति भेजेंगे तलाक का नोटिस। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक उठापटक जारी है और लगातार नेता पार्टी बदल रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल ने BJP छोड़ तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इसके बाद सौमित्र खान ने अपनी पत्नी को तलाक का नोटिस भेजने का
का फैसला किया है। इसके बाद दोस्तों रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। दिल्ली में वैक्सीनेशन की तैयारियां हुई तेज, अस्पतालों में किए गए हैं इंतजाम। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई के बाद अब भारतीयों को बेसब्री से वैक्सीन का इंतजार है। इस वक्त 3 वैक्सीन कंपनियों ने इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति के लिए आवेदन किया हुआ है, जिससे ये उम्मीद की जा रही है कि अगले महीने से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। देश की राजधानी दिल्ली में वैक्सीन स्टोरेज से लेकर ट्रांसपोर्ट तक की तैयारियां तेजी से चल रही है। वैक्सीन की कोल्ड चेन को बनाए रखने के लिए डीप फ्रीजर और दूसरे इक्विपमेंट का इंतजाम किया जा रहा है। दिल्ली में कोरोना की जितनी भी वैक्सीन आएगी वो सबसे पहले राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पहुँचाई जाएगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट। सो दोस्तों, पूरे उत्तर भारत में हार्ड कपाने वाली ठंड, जाने मौसम विभाग का क्या है पूर्वानुमान। जी हां दोस्तों, उत्तर भारत में सर्दी का प्रकोप जारी है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर तापमान 0 से नीचे चला गया है। वहीं दिल्ली में मौसम में थोड़ा सुधार हुआ है, न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। राजधानी दिल्ली में ताजा पश्चिम विक्षोभ से हिमालय से ऊपरी हिस्सों के प्रभावित होने के चलते दिल्ली का न्यूनतम तापमान थोड़ा वृद्धि के साथ 5.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बर्फ से ढके पश्चिमी हिमालय क्षेत्र से चलने वाली बर्फीली हवाओं के कारण मैदानी क्षेत्र में ठंड का प्रकोप बरकरार है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 से 6 दिन तक न्यूनतम तापमान करीब 5 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के भाव। तो दोस्तों, इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की नरमी का असर आज भी पेट्रोल डीजल की कीमतों पर देखने को मिला है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया है, जिससे लगातार 14वें दिन तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। और देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 83.71 रुपए, वहीं 1 लीटर डीजल का दाम 73.87 रुपए प्रति लीटर पर बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सोना फिर 50,000 रुपए के पार, चांदी 2,200 रुपए हुई महंगी। जी हां दोस्तों, भारतीय बाजारों में गोल्ड के भाव में आज फिर उछाल देखने को मिला है। दिल्ली सराफा बाजार में सोने के भाव में 496 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर को पार कर गया है। वहीं चांदी के दाम आज 2,000 रुपए से ज्यादा बढ़े हैं। 1 किलोग्राम चांदी के दाम में 2,249 रुपए की तेजी दर्ज की गई है, जिससे 1 किलोग्राम चांदी का भाव 59,477 रुपए पर पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। शेयर बाजार में आई सुनामी, सेंसेक्स ने लगाया 2,000 अंकों का गोता। ब्रिटेन में लॉकडाउन का है असर। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन सहित एशिया के कई देशों में कोरोना वायरस दोबारा से आने और लॉकडाउन लगने का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी देखने को मिला है। शेयर बाजारों में सुनामी आई है और सेंसेक्स ने करीब 2037 अंकों का गोता लगा लिया। वहीं निफ्टी भी 432.15 अंकों की कमजोरी के साथ बंद हुआ। शेयर बाजार की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई थी। गिरावट का नेतृत्व ओएनजीसी, टाटा मोटर्स, गेल, हिंडालको और आईओसी ने किया। करीब 580 शेयरों में तेजी और 2381 शेयरों में गिरावट देखी गई। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील का नाम क्या है। जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।